जय हिंद साथियों। अब हम लोग इस गरी में अगला वीडियो देख रहे हैं इतिहास का। आप लोग उम्मीद करते हैं कि पिछला बैक टू बैक सभी वीडियो देख रहे होंगे, क्लास देख रहे होंगे, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस गरी में हम लोग अगला क्लास देखते हैं। अगला हम लोग देखे थे तो सिंधु सभ्यता को देख रहे थे, कई सारी सभ्यता को देख रहे थे। कुछ सभ्यता है जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, इनको भी हम लोग जान लेते हैं। तो इस गरी में हम लोग देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या देखते हैं, पहले देखते हैं हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता के बात करें तो ये इसका क्या है, 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व, 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व है। और ये ग्रामीण सभ्यता है, मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व और 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व है। ग्रामीण सभ्यता है, वर्तमान में कहाँ, इराक में है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। जो सिंधु सभ्यता को अगर देखे थे वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व था और ये कितना है, 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व है। यानी कहने का है ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता की यदि बात किया जाए तो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और ध्यान रखिए ये यूक्रेटस है, ये क्या है, टिग्रिस है। यूक्रेटस और टिग्रिस दोनों क्या है, नदियाँ हैं। और दोनों नदी के बीच में कौन सा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। पूछा जाता है कि यूक्रेटस और टिग्रिस नदियों के बीच में कौन सी सभ्यता है, तो ये आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है। देखिए सीरिया की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और कैलेंड्रिया की सभ्यता, ये चारों मिलने से क्या बना है, ये आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इस चारों में अगर बात करें तो इसमें देखेंगे बेबीलोन की क्या है सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्या है, सबसे प्रसिद्ध सभ्यता इसमें कौन है, तो बेबीलोन की सभ्यता। और ये देखिए बेबीलोन की भी बात करें तो क्या हुआ, सिकंदर की मकबरा। सिकंदर का मकबरा कहाँ है, तो अब बेबीलोन में है। तो ये आपका रहा बेबीलोन की सभ्यता। अगला सभ्यता की बात करते हैं हम लोग फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान ये आपका ईरान में है। अगला देखिए पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी की सभ्यता कहाँ पर है, वर्तमान चीन में। पीली नदी की सभ्यता वर्तमान कहाँ, चीन में। पीली और ये पीली नदी, या पीली नदी को ही क्या कहा जाता है, हांगो नदी। पीली नदी क्या कहते हैं, हांगो नदी। ये पीली नदी की सभ्यता वर्तमान चीन में, ये पीली नदी या हांगो नदी। अगला देखते हैं मिस्र की सभ्यता। अगला क्या है, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कहाँ है, तो ये मिस्र में है। ये नील नदी और ये 2100 ईसा पूर्व, 2100 ईसा पूर्व। और यहाँ की एक राजा है वर्तमान में क्या है, मतलब उस टाइम के एक राजा थे, बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। उनके राजा का नाम था फिरौन। क्या था उस राजा का नाम था, फिरौन। उस फिरौन की बात करें तो अभी तक उनका लाश है, उनकी लाश को क्या क्या अभी तक रखा गया है। यानी क्योंकि उस समय में क्या था, राजा जो फिरौन थे वहाँ पर क्या है, मेमी बनाने की परम्परा की शुरुआत हो गया था। मीमी का मतलब हुआ कि अगर लाश में लगा के रख दिया जाए तो वो क्या होता है, मतलब थोड़ा सुरक्षित रहता है, मतलब सेंट टूट नहीं करता है नहीं। तो ये मीमी बनाने की परंपरा वहाँ शुरुआत हो गई थी। तो वहाँ के राजा जो थे फिरौन में मीमी लगा के वर्तमान में अभी तक रखा गया। और 2100 शताब्दी, सोचिए 2100 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, 2100 ईसा पूर्व हो गया। और इधर किताब 2022 चल रहा, लगभग 2022 चल रहा, लगभग सोच लीजिए 4200-4700 साल से अभी तक वो रखा गया है। अगला बात कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर रसायन का अच्छा व्यवस्था है। रसायन का अच्छा व्यवस्था क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए मिमी बनाया गया, मतलब रसायन शास्त्र का अच्छा नॉलेज था तभी तो मिमी बनाया गया। यहाँ पे पिरामिड बनाया गया, काफ़ी सारे पिरामिड किसमें, मिस्र की सभ्यता के समय में ही बनाया गया था, काफ़ी सारे पिरामिड है। अच्छा तो ये एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है सिंधु नदी के समकालीन सभ्यता कौन है, तो सिंधु नदी की समकालीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता है। क्यों, देखिए 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व क्या है, ये आपका सिंधु नदी की सभ्यता है। और ये 2100 ईसा पूर्व ये भी आपका देखिए उसके बीच में आ रहा है, यानी अगर बीच में आ रहा है मतलब टाइम क्या हुआ, थोड़ा सा मैच कर रहा है। इसलिए क्वेश्चन पूछता है सिंधु नदी की समकालीन सभ्यता कौन सी है, तो सिंधु नदी की समकालीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता है। अगला देख ध्यान रखिएगा रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता वर्तमान में कहाँ, तो वर्तमान इटली में। अच्छा रोम की सभ्यता का यहाँ प्रसिद्ध राजा तो ढेर सारे हुए थे, लेकिन दो प्रसिद्ध राजा थे जो इनको क्या हुआ, रोम की सभ्यताओं का आगे बढ़ाने का काम किया। उनका नाम था जूलियस सीजर और अगस्टर।
हम लोग जो वर्तमान में कैलेंडर यूज करते हैं, ग्रेगियन कैलेंडर यूज करते हैं, उसमें ये जुलाई महीना और अगस्त महीना है, वो जुलाई महीना ये जूलियस सीजर जो राजा थे इन्हीं के नाम पे पड़ा, और अगस्तर अगस्तर के नाम पे क्या हुआ, अगस्त महीना पड़ा। वर्तमान में जो कैलेंडर यूज करते हैं, जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई और अगस्तर के नाम पे अगस्त यूज किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सब बातें समझ में आ गया होगा और आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। क्या करेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, बेहतर तरीका से पढ़ लेंगे। चलिए तो इस अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहीं क्लास को समाप्त करते हैं। अगला क्लास का इंतजार कीजिए, फिर आपको इससे आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।